हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ट्यूटोरियल। तो आज ये देखिए, हम सीखेंगे आज किचन टॉवल बनाना। ये किचन टॉवल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही काम आता है, और अगर हम मार्केट से इसको ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। ये देखिए, ये मैंने कपड़े के दो पीस लिए हैं, और ये कॉटन का कपड़ा मैंने लिया है। थोड़ा कपड़ा मोटा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक साइड से 17 इंच और इधर से 19 इंच मैंने लिया है, और ये डबल है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैं उल्टा कर लूँगी, और उल्टा करके इस पर हम साइड में सिलाई लगाएंगे। दूसरा कपड़ा देखते हैं ये कितना है। तो 7.5 इंच, और इस साइड से भी 7.5 इंच है, और ये कपड़ा भी हमारा डबल है। इस तरह से डबल है, इसको डबल कर लेंगे। अब इस तरह हम इसको बैक साइड से रखेंगे और दोनों साइड से सिलाई कर देंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और हमें इसके लिए चाहिए एक फोम, चाहो तो आप इसमें कॉटन भी भर सकते हैं, मैं इसमें फोम का यूज़ करूँगी। और ये एक छोटी पट्टी हमें चाहिए ऊपर लटकाने के लिए। तो ये देखिए, ये छोटी पट्टी हमने ले ली है। इसे आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कोई ये नहीं है कितनी रखनी है। इस तरह हम दोनों साइड से फोल्ड करके इसको इस पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस पर सिलाई कर ली है दोनों साइड से। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी, इसके कोने इस तरह से निकालते हुए हम इसको सीधा कर लेंगे। कोने अच्छे से निकाल लेने हैं इसके। और अब ये जो इसका खुली साइड है, इसको भी हम पहले इस पर एक सिलाई कर लेंगे, उसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए, सीधी सिलाई कर लेंगे। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, बॉक्स वाली प्लेट हम डाल रहे हैं इसमें। आप चाहो तो सिंपल प्लेट भी डाल सकते हैं, और कपड़ा आप अपनी इच्छा से मोटा पतला। कॉटन का होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, और मोटा होता है उसमें हाथ उत पोछने में आसानी होती है। इस तरह से हम इसमें प्लेट डालते जाएंगे। ये देखिए, ये सारी प्लेट मेरी डल गई हैं। अभी ऊपर वाला कपड़ा हम लेंगे, और पहले इसमें सेंटर पॉइंट लगा लेंगे। ये डबल किया हुआ है, इस तरह हम रखेंगे इसको, और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे इसी तरह रखे हुए, और हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो देखिए, मैं इसको 6 इंच रखूँगी। ये देखिए, यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लूँगी, और बाकी हम सिलाई में ले लेंगे। इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से सिलाई लगा लूँगी, और बीच में ये टांगने के लिए ये जो हमने पट्टी बनाई थी इसको हम लगा लेंगे इस तरह से। ये लंबी साइड्स के अंदर रखेंगे, और यहाँ से इस तरह हम सिलाई लगा देंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता कुछ सिलना, वो भी इसको सिल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें ये हैंगिंग के लिए इस तरह से बीच में लगा देंगे। पहले इसमें हम डबल करके सेंटर पॉइंट लगा सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ही लगा लिया। अब दोनों साइड से हम इसको सिल लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, उसको सीधा कर लेंगे। देखिए, सिलाई हमारी हो गई। अब हम धागा कट करके इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये सीधा हो गया, और अब हम इसमें फोम का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो इसमें कॉटन का यूज़ भी कर सकते हो, कॉटन इसमें भर सकते हैं। मैं इसमें फोम भरूँगी। तो ये देखिए, मैंने इस साइज़ का फोम मैंने काट लिया है, इसको नाप के ही मैंने इसको काटा है, और मैं इसके अंदर इसको डाल दूँगी। इस तरह से कोने मिला के इसको हम डाल देंगे। और अब हम इस पर सिलाई कर देंगे, सिलाई से इसको बंद कर देंगे इस तरह से।
देखिए मैंने इस पर सिलाई कर दिया, और एक सिलाई हम ऊपर से कर देंगे जो हमने फोम डाली है उसको अटैच करने के लिए। चारों साइड से एक एक सिलाई कर देंगे तो उससे हमारी फोम इधर उधर नहीं भागेगी और इसमें अटैच हो जाएगी। तो देखिए है ना बहुत ही आसान, बिल्कुल इजी, कोई भी इसको सिल सकता है। और इतने कपड़े तो घर पे पड़े होते हैं, जो लेडीज़ कपड़े घर पे सिलती हैं उनके तो काफ़ी कपड़े बचे होते हैं। तो उसमें आप चाहो तो इसमें दो रंग का भी लगा सकते हैं, जैसे नीचे की साइड दूसरे कलर का लगा लिया और जो ऊपर लगाया हमने ये फोम वाला कपड़ा ये दूसरे कलर का लगा सकते हैं। या दोनों साइड भी हम, जैसे हमने डबल कपड़ा नीचे का लगाया तो दोनों साइड अलग अलग कलर के लगा सकते हैं। जैसे छोटा कपड़ा हमारे पास है तो एक साइड से दूसरी तरह का और दूसरी साइड से दूसरी तरह का कपड़ा हम लगा सकते हैं। और घर पर ही छोटे छोटे कपड़ों से हम ये इस तरह का किचन टॉवल बना सकते हैं जो हमारे बहुत ही काम आता है। देखिए हमारा किचन टॉवल बनकर तैयार है बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।